आ गई तुम। जानता था कि तुम जरूर आओगे। इंतजार था तो उस वक्त का, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। क्योंकि तुम जैसी लड़की है ना, प्यार व्यार नहीं जानती, सिर्फ पैसा जानती है। अरे तुम तो उस वेश्या से भी कहीं गुजरी हो जो कह के धंधा करती है। तुम लोग सिर्फ प्यार की आड़ में धोखा देती हो। तुम कभी किसी के घर का सम्मान नहीं बन सकती। तुम सिर्फ बिस्तर की शोभा बन सकती हो, जिसे सूंघा और मसला। अच्छा होगा कि प्यार की बातें तुम ना करो, वरना वरना मैं वो कर दूंगा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। समझी? चली जा, चुपचाप से यहां से चली जा, वरना तू जानती है। ड्रग्स का धंधा एक ऐसा धंधा है जिसमें जो इंसान गया वो घुसता ही चला गया और कभी वापस लौट कर नहीं आया। भूल जाओ तुम मुझे निशा, मुझे भी नहीं पता वो कौन सी गोली होगी जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। पुलिस की गोली हो या फिर ड्रोन की गोली हो, जा रहा हूं मैं निशा, भूल जाओ तुम मुझे। राजन, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत ही बुरी लगती है कि तुम मुझसे बात बात पे नाराज हो जाते हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम अपना सारा समय मुझे प्यार करने की वजह मुझे मनाने में निकाल देते हो। राजन, अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी, और इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम मुझे चाह के भी नहीं मिल पाओगे। दो कौड़ी की मैं नहीं, दो कौड़ी का है तू और तेरी गंदी सोच। तो जैसे लड़कों की वजह से ही हम लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, पर लड़कियों को कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना समझ गया ना? चल निकल यहां से। शाली मान ही नहीं रही थी, नखरे दिखा रही थी। बस मैंने कहा भाई ने बुलाया है, तुम मना कर रही थी, बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, कहने लगी मैं नहीं आऊंगी। मन तो किया साली को वहीं पे पटक दूं, लेकिन क्या करूं बॉस, आपकी जान है। ये ख्याल आ गया, साली को बेहोश करना पड़ा और फिर गाड़ी में डाल के लाया हूं बॉस। बस उसने मुझे पता नहीं क्या हो गया यार, कि बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। कुछ भी करो, कुछ भी, कहीं मन नहीं लगता मेरा। यार मैं तुमसे क्या बोलूं यार संजना, तुम मुझे शादी कर लो प्लीज, मुझे शादी कर लो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। राजन यार, तुम छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हो, प्लीज ऐसे मत रूठा करो ना। अगर तुम ऐसे रूठ जाओगे तो मैं तो सारा समय तो तुम्हें मनाने में ही लग जाएगा, तो हम प्यार कब करेंगे? कहले ने माँ, मैं ये बातें बचपन से सुनता आया हूं कि किशन नालायक है। अरे मैं पूछता हूं, मुझे नालायक बनाया किसने? तुमने बापू, तुमने। अरे जब घर में पैसे नहीं थे, अरे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, तो क्यों पैदा किया मैं, क्यों पैदा किया मैं इस बेहतर जमाने में ठोकरे खाने के लिए? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहां गया? वाह पैटर साहब, वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा पिछले 5 साल से गायब है और मैं उसके लिए तब परेशान हो रहा हूं, और आप लोग मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा कहां चला गया? तुम देख लेना कि मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी ना, तुम चाहकर भी मुझसे मिल नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम बार बार तुम मुझसे गुस्सा मत हुआ करो। करती हूँ मैं ये काम, बट इसमें मेरी मजबूरी है। बट आप लोग ये कभी नहीं समझ सकते कि एक लड़की पे क्या बीतती है ये सब करते हुए। जो तुमने बंदूक उठाई है उन लोगों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे 1000 मिल जाएंगे वहां पे। हमारे कश्मीर का सुख और चैन छीन रहे हैं वो।